channel. If you're new here, hi, my name is Rai Pujavid, and I'll be really happy if you take a moment and subscribe to my YouTube channel right down below. So for today's video, I'm going to be sharing with you glittery eye makeup tutorial with glossy lips. So let's get started with our today's video. But before we get starting with our today's video, do not forget to like, share, and subscribe. And now let's get started. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो स्टार्टिंग ऑफ विथ दिस एलिगल प्रो हाई डेफिनेशन कंसीलर. कंसीलर मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि आई शैडो लगाने से पहले एक आई बेस आई शैडो के लिए होना पड़ता है. उससे आई शैडो का जो कलर है वो और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है और आई शैडो और पिगमेंटेड लगता है. उसको सेट भी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर. इसके अंदर SPF 40 प्लस 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 है जो कि समर्स के लिए परफेक्ट है. उसके बाद मैं आई शैडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ. उसमें से मैंने ये सैंडलवुड शेड लिया है. उसको एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ करूँगी, ठीक है. और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ दैट ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप लोग ब्लेंड ना करोगे तो जो उसका जो कलर पे ऑफ वो सही नहीं आता है. और उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ आज SFR का हेटेड विद लव पैलेट. उसमें से मैंने ये शिमर शेड लिया है सिल्वर कलर का और उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ. इतना ज़्यादा पिगमेंटेड था ये जी, आप लोग मेरे रिएक्शन से देख सकते हो. एंड मुझे पैलेट काफ़ी ज़्यादा पसंद है. एक्चुअली ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. ये बाय द वे मेरी फूफी की तरफ से था. उसके बाद मैंने ये मैक आई शैडो यूज़ किया है इन द शेड सैटेलाइट ड्रीम और इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ. इसका जो कलर जो ना वो मतलब अच्छे से नहीं आ रहा था, ये पिगमेंटेड नहीं था एक्चुअली. मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा बिल्ट करने के बाद ये मुझे कवरेज मिला है, उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं मिला है. उसके बाद मैंने ये आई लाइनर लगा लिया. दिस इज़ फ्रॉम लैक्मे और एक परफेक्ट विंग लाइनर लगा ले रही हूँ. ईद के लिए ना ऐसा लुक करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है. उसके बाद ना ये मेबेलिन का स्काई हाई वॉल्यूमिनस मस्कारा लेकर लगा ले रही हूँ. और मैंने ना ये प्राइमर लगाया था, उसका शूट ही करना भूल गई. उसके बाद मैंने ये डियोर का स्किन फॉर एवर फाउंडेशन लगाया है इन दी शेड 40 और इसका जो पिगमेंटेशन है इसका जो कवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई कवरेज है और मतलब ये परफेक्ट है. ज़्यादा ऑयली मतलब सब स्किन के लिए मतलब ये सूट करता है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. मैंने इसको यूज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी. और इसके बाद मैंने सेम कॉम्पैक्ट यूज़ किया है और मतलब कॉम्पैक्ट यूज़ करना ना समर सीज़न में मतलब मस्त है क्योंकि मतलब इतनी गर्मी हो रही है और स्पेशली कोलकाता में इतनी ज़्यादा गर्मी, अगर आप लोग कॉम्पैक्ट ना लगाओ तो पूरा आपका मेकअप ही मतलब मेल्ट हो जाए. उसके बाद मैंने SFR का कलर कंट्रोल पैलेट लिया है और उसमें से मैं ब्रॉन्जिंग शेड लेकर ब्रॉन्ज कर ले रही हूँ अपने फेस को. ब्रॉन्जिंग करना इंपॉर्टेंट है, उससे फेस का स्ट्रक्चर इन्हांस हो जाता है. उसके बाद ना मैंने वही सेम पैलेट में से दोनों ब्लशेस के शेड को मिक्स कर लगा ले रही हूँ क्योंकि अच्छा लग रहा था ये आउटफिट के साथ और ये लुक को क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा इजी भी है. अब ईद है तो डिस्को बॉल की तरह चमकना भी है, तो ढेर सारा हाईलाइटर लगा लो. उसके बाद जी मैं ये दो लिपस्टिक्स लगा ले रही हूँ. एक है हुडा ब्यूटी का और एक पता नहीं कौन से ब्रांड का है. हुडा ब्यूटी वाला जो शेड है वो है फ्लर्टी बेब. उसके बाद ना मैं ये लिप ग्लॉस लगा ले रही हूँ फ्रॉम द ब्रांड इन शाइन. और यस, मैं लिप ग्लॉस लगा के लुक को कंप्लीट कर रही हूँ और मैं आईब्रो फिल नहीं कर रही हूँ, बस उसको अच्छे से ब्रश कर ले रही हूँ. दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो.